इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुमसाई गांव में। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पे एक कंपनी है। तो यहाँ पे आज यहाँ के जो स्थानीय लोग है यहाँ पे एक धरना कर रहे हैं। किस चीज़ का धरना है ये और किस क्या डिमांड कर रहा है उसको जानने के लिए हम यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए उनसे हम बात करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग किस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ में प्रोटेस्ट करने वाला जो हम लोग का आदित्य गोस्वामी का अगेंस्ट में है। हाँ। किसी अब हम लोग का जो लोकल पब्लिक है वो लोग के लिए तो नहीं है। हम लोग का जो आदित्य गोस्वामी हम लोग को यहाँ में प्रॉमिस किया था एज ए प्रॉमिस बिफोर, वो प्रॉमिस वो नहीं निभाया है जी। और यहाँ में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए मतलब अपना पब्लिक का बीच में हम लोग का लोकल पब्लिक का बीच में वो लोग मतलब लड़ाना चाहता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल के। कौन है आदित्य गोस्वामी? आदित्य गोस्वामी एक MMC कॉन्ट्रेक्टर है, वो जो क्विपो का अंदर में चलता है मतलब ये आप लोग का ऑयल का अंदर में है क्विपो जो जी। तो क्विपो का रिग वो चला रहे हैं ऑल इन ऑल वही उस। लेकिन ऑडिटर गोस्वामी से हम लोग एक बार मीटिंग बैठने के लिए मतलब हम लोग चाहता है मतलब ADC का साथ जी। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आप लोग का? तो EPS बंद करेगा जी। EPS बंद करेगा, बॉय थोड़ा ऑयल को थोड़ा बैन बंद ऑयल का बंद कल करेगा हम लोग। प्रथम जो ऑडिटर गोस्वामी रिकेटा आबलगिया हुई है जो आदित्य गोस्वामी लोग आमी कथा बता पातीसिलो DYDC कमिटी आमक माने कमिटमेंट कइसिले आमो सर रेकर्डिंग आसे काम तो आमके दिम बुली आरो माने जो रेट तो फिक्स होइसिले टेलीफोनिक तेटा एतु काम तो इटा आमार ब्लैक पार्टिक दि दिसे आमी हे पार्टिक दिया तो आमो कोनो ऑब्जेक्शन नाय किन्तु जुन्तु पर आमक कमिटमेंट दिसिले हेतु कारणे आमी नाराज आसु आरो जुन्तु इटा आमार कुमसाइखा एरिया डाइन सर्कुलर एरिया आदित्य गोस्वामी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलिबोले গৈ আছে আৰু নিজৰ ককাই ভাই ভিতৰতে যুঁজুৱাবলৈ গৈ আছে। সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ যোনটো পাৰ্টিক দিছে আমাৰ তাত কোনো ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু যেতিয়ালৈকে এই আদিত্য গোস্বামী নাহিব আমি এটা লেটাৰ দিছিলোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অইল মাডামক থ্ৰু আমি কপি দিছিলোঁ আপোনাৰ ESC-ক ESC-ও এটা কপি দিলে আপোনাৰ AO-কে কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে কোনো ৰেছপঞ্চ কৰা নাই। তেতিয়া আমাৰ দাবী আছে এইটোৱে যেতিয়া আদিত্য গোস্বামী ADC-ৰ লগত আৰু আমাৰ কমিটিৰ লগত আমাৰ এটা মিটিং হ'ব লাগে। যেতিয়ালৈকে মিটিং নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এই ধাৰণাটো চলি থাকিব কণ্টিনিউ। আমি অইল EPS আমি বন্ধ দিম, আদিত্য গোস্বামী আহিব লাগিব, তেতিয়া তাৰ লগত আমি এটা মিটিং কৰিব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থ্ৰুদি। আৰু যোৱাবাৰ আমাৰ পেণ্ডিং এমাউণ্ট এটাও আছিলে সেইটো এতিয়ালৈকে বেলেঞ্চ ৰাখি দিছে। তেতিয়া তেখেতে এটা বহুত মিছলীয়া হয় আমাৰ নিজৰ ককাই ভাইৰ ভিতৰতে যুঁজাবলৈ বিচাৰি আছে। সেইটো কাৰণে যেতিয়ালৈকে মিটিং নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমি অপোজ কৰি থাকিম অইল আমাৰ তেতিয়ালৈকে বন্ধ। यहाँ का जो ZPM है, ZPM जी भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। ये इस इशू को लेकर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? ये इशू को लेकर मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक बहुत नाराज है ये आदित्य गोस्वामी से जी। उसको लेकर आज प्रोटेस्ट हो रहा है जी। उसके बाद ये ESC को भी ये इन्फॉर्मेशन दे चुका है 28 को जी। तो ये एक जॉइंट मीटिंग बैठाना है ADC चैम्बर में जी। तो आदित्य गोस्वामी आना पड़ेगा जी, अगर नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ तो उसने एक बार बोला था कि जो काम जो वो कबर रिक तो वो क्या बोलता है पंचायत हेड को दिया है बोल के सुना है, लेकिन पंचायत हेड तो हम ही है जी। तो हमको तो दिया नहीं है, हमको मिला भी नहीं है नहीं। तो यही बात के लिए मैं आया था एक्चुअली वो तो ऐसे होना तो नहीं चाहिए जी। लेकिन ऐसा मतलब किसे मतलब अंधा बोल दिया साहब, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है। पंचायत हेड को देता है तो पंचायत हेड को इन्फॉर्मेशन देना है ना, बस इतना ही है।